डियर स्टूडेंट, क्लास 12th इंग्लिश मीडियम में अपना चैप्टर 4th इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चल रहा था। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के पार्ट 3rd हो गए और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के पार्ट 4th में आज के इस वीडियो में आज के इस टॉपिक क्लास में अपना टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज फिल्ड विद डिफरेंट different dielectrics, different dielectrics of different thickness, of different thickness. Capacitance of parallel plate capacitor if it is filled with different dielectrics of different thickness. Okay. Let us consider a parallel plate capacitor. Area of each plate is capital A. Area of each plate is capital A, and distance between them is small d. Distance between them is small d. Small d. Grounded the different dielectrics are placed, dielectric slabs are placed between the space of plates. The dielectrics which dielectric constant are epsilon r1, epsilon r2, epsilon r3 and dash dash epsilon rn. फर्स्ट का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? एप्सिलॉन आर वन. सेकेंड का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? एप्सिलॉन आर टू. और लास्ट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर एन. विच थिकनेस आर टी वन, टी टू, डैश डैश, टी एन रेस्पेक्टिवली. थिकनेस, ये थिकनेस कितनी है? टी वन. सेकंड थिकनेस टी टू और लास्ट ये टी एन. टी वन, टी टू, डैश डैश, टी एन. इफ नाउ इफ रिमेनिंग पार्ट इज प्रेजेंट एयर, प्रेजेंट एयर, the electric field intensity in the thickness of air space, the thickness of air space is equal to d minus t1 plus t2 dash dash tn. ये thickness है किसकी? air space की. और T1, T2, डिश डिश, टी एन आर द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इन वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फर्स्ट मीडियम, इन फर्स्ट मीडियम डिनोटेड बाय ई एम वन इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन वन, वेयर एप्सिलॉन वन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सिग्मा की वैल्यू यू नो दैट सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए एंड एप्सिलॉन आर वन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर वन इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई क्यू बाई ए एप्सिलॉन आर वन एप्सिलॉन नॉट हो गया। दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सेकंड मीडियम EM2 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन आर टू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन थर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन nth मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन nth मीडियम EM1 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन एन क्यू बाई ए एप्सिलॉन आर एन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फोर्थ। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर स्पेस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब। वी इक्वल टू ई इंटू डी माइनस टी वन प्लस टी टू डैश टी एन प्लस फर्स्ट मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एम वन थिकनेस टी वन, तो ई एम वन इंटू टी वन प्लस सेकेंड मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एम टू एंड थिकनेस टी टू डैश nth मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एम वन एंड थिकनेस टी एन, ये आ गया। और आफ्टर
वैल्यू पुट कर दें अपन, V इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी वन प्लस टी टू डैश डैश टी एन प्लस Q बाई ए एप्सिलॉन आर वन एप्सिलॉन नॉट इंटू टी वन प्लस क्यू बाई ए एप्सिलॉन आर टू एप्सिलॉन नॉट टी टू डैश डैश क्यू बाई ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट टी एन V Q by A epsilon naught common, Q by A epsilon naught common आ गया, common आ गया तो यहाँ D minus T1 plus T2 ये आ गया plus यहाँ T1 by epsilon R1 T1 by epsilon R1 plus T2 by epsilon R2 और last Tn by epsilon R है, ये बड़ा ब्रैकेट और ये इक्वेशन अपनी आ गई फिफ्थ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्वल टू Q बाई वी, C इक्वल टू Q बाई वी। Q बाई वी सी क्यू की वैल्यू क्यू वी की वैल्यू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट टी वन प्लस टी टू डैश डैश टी एन प्लस T1 by epsilon R1 plus T2 by epsilon R2 or Tn by epsilon Rn, ये ब्रैकेट Q से Q कैंसिल आउट हो गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया और C इक्वल टू A epsilon नॉट डिवाइडेड बाई मजला ब्रैकेट डी वन डी माइनस टी वन प्लस टी टू डैश डैश टी एन प्लस टी वन बाई एप्सिलॉन आर वन टी टू बाई एप्सिलॉन आर टू डैश डैश टी एन बाई एप्सिलॉन आर एन। ओके, इफ देर इज नो एयर स्पेस, इफ
there are no air space between plates, और between plates तो इसका मतलब है कोई air space नहीं है, तो सभी जो dielectric constant है उनके thickness का sum किसके equal होगा, distance between plates के equal होगा, T1 plus T2 dash dash Tn equal to D, और ये वैल्यू क्या हो गई, d d माइनस d जीरो, तो c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, ये तो जीरो हो गया, t1 बाय एप्सिलॉन r1, t1 बाय एप्सिलॉन r1, t1 बाय एप्सिलॉन आर वन प्लस टी टू बाई एप्सिलॉन आर टू डैश डैश टी एन बाई एप्सिलॉन आर एन, और ये समी इक्वेशन हो गई आपकी सिक्स्थ, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, सेवन्थ। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, टू कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्पेयर, टू कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्पेयर नियर अबाउट सेम साइज एंड इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज, चार्ज विद चार्जेज विद इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज कॉल्ड स्फेरिकल कंडक्टर इन स्फेरिकल कैपेसिटर, टू कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्पेयर ऑफ नियर अबाउट सेम साइज विच चार्ज्ड विद इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर इज कॉल्ड स्फेरिकल कंडक्टर, और नियर अबाउट सेम साइज का मतलब कॉन्सेंट्रिक है तो सेंटर तो एक ही होगा दोनों स्पेयर्स का, बट डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ स्पेयर इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम उसमें क्या होगा डिफरेंस होगा, लेट अस कंसीडर ए टू कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्पेयर ए एंड ए बी, ए एंड ए बी, ए एंड बी, मेटालिक स्पेयर ए एंड मेटालिक स्पेयर बी विच रेडियस आर आर वन एंड आर टू, आर वन एंड आर टू, एंड इन सेंटर कॉन्सेंट्रिक सेंटर इज ओ, द चार्ज प्लस क्यू गिवन टू द मेटालिक स्पेयर ए इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स एंटायर सरफेस, इट्स एंटायर सरफेस ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड
द इनर सरफेस ऑफ मेटालिक स्फीयर बी एंड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन आउटर सरफेस ऑफ मेटालिक स्फीयर बी. आउटर सरफेस ऑफ मेटालिक स्फीयर बी इज ग्राउंडेड, ग्राउंडेड इज ए ग्राउंडेड. द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटालिक आउटर सरफेस ऑफ मेटालिक स्फीयर बी इज कैंसल आउट बाई रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड, बाई रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर फ्लो होंगे? आउटर सरफेस ऑफ मेटालिक स्फीयर बी, और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटालिक स्फीयर ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑन चार्ज, ऑन चार्ज ऑफ मेटालिक स्फीयर ए इज गिवन बाय, ए इज गिवन बाय वी वन इक्वल टू के क्यू वन बाय आर वन, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन बाई आर वन, नहीं क्यू बाई आर वन, क्यू बाई आर वन. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड इक्वेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज्ड स्फीयर बी ऑन मेटालिक स्फीयर ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर बी ऑन स्फीयर ए वी टू. ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, एक बात तो ये, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन मेटालिक स्फीयर सरफेस ऑफ मेटालिक स्फीयर बी इज माइनस के क्यू बाई आर टू, और इनर पॉइंट्स पर भी जो इनसाइड पॉइंट्स हैं उन पर भी किसके इक्वल होगा? सरफेस के इक्वल होगा. तो जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनर पॉइंट्स पर होगा, इनसाइड पॉइंट्स पर. इसका मतलब जो ए जो मेटालिक स्फीयर है वो इनसाइड है किसके? बी के. तो इनसाइड पॉइंट्स पर सब पर क्या होगा? इक्वल होगा. वी टू इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर टू, इक्वेशन के क्यू बाई आर टू, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर टू, इक्वेशन सेकंड. टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, वी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर वन माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर वन, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये हो गया. और आर वन आर टू एलसीएम हो गया तो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई आर वन
आर टू डिवाइडेड बाई आर वन आर टू। इक्वेशन थर्ड, बाई डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्यू बाई वी, और क्यू की वी की वैल्यू क्यू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई आर वन आर टू, क्यू से क्यू कैंसिल, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर टू माइनस आर वन। इक्वेशन फोर्थ, द डिफरेंस ऑफ रेडियस आर टू माइनस आर वन इज स्मॉल देन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज मोर। ओके नेक्स्ट।